केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। मैसूर नगर राजू नगर वंदने हंत दारु सलाम मसीदी दिनांक 24/4/2024 शुक्रवार नड़ेलिरुव लोकसभा चुनाव के मतदार गुरुतिन चीटियन्नु हंचुव कार्यक्रम हम्मिकोळ्ळलागित्तु। सदरी मसीदी 4 कंप्यूटर अलवडिसि नगर यावुदे प्रदेशदिंद बरुव एल्ला मतदाररिगे मुक्त अवकाश नीडि ಅವರಿಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮಗೆ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहू। अल्लाह के फजलो करम से हमारे दारुसलाम कमेटी से डिसाइड करके जुमा के दिन से वोटर आई डी कंप्यूटर से रिकॉल को देने का काम शुरू करी। इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुआ है। कम से कम 500 से ज़्यादा अहबाब अपने वोटर आईडी निकालने के गए हैं। जब से जुमा के दिन से जब काम शुरू हुआ है तब से 500 से ज़्यादा अहबाब फ़ायदा उठाए और उनके वोटर आईडी निकाल लेके गए हैं। जो हमारी कोशिश अल्लाह कामयाब करे, आइंदा भी हमारे कमेटी के वास्ते सभा दुआ की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह हम ये काम बहुत लास्ट इलेक्शन आज पिछले इलेक्शनों में भी हम किए हैं और आइंदा इलेक्शनों में ये काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भी ये जो 26 तारीख को इलेक्शन है कल तक का कल शाम तक भी हम इंशाल्लाह ये काम जारी रखेंगे। इलेक्शन के दिन भी हम यहाँ मस्जिद के सामने हमारा ये काम जारी रहेगा। सर मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद दारुसलाम। मस्जिद दारुसलाम राजू नगर। अब जो भी आप अपने वोटर आईडी निकालना चाहते हैं आके निकाल ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये जो भी गुजारिश की जा रही है ज़रा गौर से समात फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम मस्जिद दारुसलाम में शुरू किया गया है जिसके अंदर हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार अहबाब जितने भी अहबाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनका पूरा ताउन रहा हमारे स्टूडेंट्स के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही जिस दिन से ये आई डी कार्ड करेक्शन शुरू किया गया है और जितने भी आई डी कार्ड्स वोटर लिस्ट काटे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 9:30-10:30 तक भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोशिश की जा रही थी और जितने भी अहबाब जितने भी लोग आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उन तक पूरे के पूरे वोटिंग लिस्ट कार्ड काट कर दिया गया है। और इसके अंदर बहुत सारे करेक्शन भी किए गए हैं जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ हो या उनका नाम हो उनका एड्रेस हो और जो भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंप के अंदर किया गया है। मैं सबसे पहले आप तमाम अहबाब को ये बताना चाहता हूँ कि इस दौर के अंदर हमें सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को सही करना है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स सही नहीं रहेंगे तो हमें हुकूमत की तरफ से अगर कोई भी अगर प्रोग्राम जारी किया जा रहा है अगर कोई भी क्रिटिकल सीन हमारे सामने आ रहे हैं तो उसका सामना करना पड़ता है।
तो इसके लिए अगर कोई हाल में हमारे सामने NRC का आया था जिसके अंदर आप लोग बेहतर जानते हैं कि कितनी हमें मुशक्क़तें उठानी पड़ी बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से, हमारा वोटर आई कार्ड के हिसाब से और आधार कार्ड के हिसाब से, अगर हमारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे, अगर दुनिया का अगर हुकूमत का कोई भी कानून रहेगा तो हम इसके अंदर डट से हमें क्या है फ्रेंकली फेस कर सकते हैं इसका, कोई हमारे पास पछतावा नहीं रहेगा और हम पीछे नहीं रहेंगे अगर हमारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे। तो इसलिए मैं तमाम बाप से गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले हमारे दस्तावेज़ और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही बना लें, ऐसा नहीं कि आधार में एक नाम है, आईडी कार्ड में एक नाम है, पैन कार्ड में एक नाम है, ऐसा ना रहे, सबके अंदर एक ही नाम रहे, एक ही एड्रेस रहे। अलबत्ता अगर एड्रेस चेंज होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमारा नाम डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मैं हमारे मस्जिद दारुस्सलाम के ज़िम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पहले दिन से ही हमारा ताउन किया और इस कैम्प के अंदर बाकायदा हर तरफ से हमारा ताउन किया है। जैसा बैठने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि लैपटॉप वगैरह हमारे लिए मुहैया किए गए, इसके अंदर हमारे भी लैपटॉप्स हैं और दूसरों के भी लैपटॉप्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पावर के एतबार से भी रहे और हमारे लिए सहूलत के एतबार से भी है, हर एक चीज़ के एतबार से हमारा साथ दिए, ताउन दिए। मैं तहे दिल से हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसके अंदर जनाब अब्दुल खादर साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे ट्रेजरर जनाब नूरुल्लाह शाह खादरी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दीगर जितने भी ज़िम्मेदार हैं, मैं फर्दन नाम नहीं ले सकता, इसके अंदर वक्त बहुत लग जाएगा, लेकिन तहे दिल से सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ सबको मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हमारा इलेक्शन आने वाला है सामने जुमा के मौके के दिन हमारा इलेक्शन आया है, तो मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करें और फौरन जाकर अपना वोट डाल दें। ऐसा नहीं कि किसी का भी वोट नागा ना हो, सबका वोट पड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वोट डालेंगे तो हमारा सिटीजनशिप कहलाया जाएगा और यही हमारा सिटीजनशिप है। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अपना वोट खुद डालें और दूसरों को भी साथ लेकर जाकर डालने की फिक्र करें। अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर कोई डिसेबल है, अगर कोई नहीं जा सकता, कोई चलकर नहीं जा सकता, तो खुद की सवारी लेकर उनको बिठा कर लेकर जाएं और उनका वोट ज़रूर डलाएं। और हमारा एजेंडा यही है कि 100% वोटिंग होना बहुत ज़रूरी है, कंपेयर टू लास्ट टाइम से ये टाइम हमारा 100% वोटिंग होना ज़रूरी है, ताकि हमारा वोट ही हमारा मुस्तकबिल है। अगर हमारा वोट हम सही तरीके से सही मुस्तकबिल को वोट डालेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छे दिन देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशी और मसर्रत की बात है कि हमारे शहर के बड़े बड़े उलमाए दीन ये भी क्या है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों तक आकर पहुँच कर मीडिया के ज़रिए से और ख़ुद आपके सामने आकर इस बात को फैला रहे हैं कि हमारा 100% वोट करना बहुत ज़रूरी है। तो उलमा की तरफ से एक बड़ी मेहनत है, अल्लाह ताला उलमा की मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जो ये खिदमत कर रहे हैं इसका सही नतीजा हम सबको मिल जाए, यही हमारी फिक्र है। और अमाईदीन शहर में बहुत सारे लोग, अमाईदीन शहर कॉरपोरेटर्स और जितने भी लीडर अहबाब जो महल्ले के हैं या फर्दन जो भी अहबाब इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, कॉरपोरेटर्स हो, MLA हो या कोई और भी सियासत लोग जो भी इस मेहनत के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी मेहनत को कबूल फरमाए, इनके काम करने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और यही हमारा एजेंडा है। और जितने भी नौजवान मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बराए मेहरबानी उनसे अदबन गुजारिश है कि इस मैसेज को फॉरवर्ड करें। ऐसा ना सोचे कि मेरे एक वोट से क्या तब्दीली आएगी, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हमारा एक वोट ही मुस्तकबिल को बदलाने के लिए बहुत सारा काम आएगा। तो इसीलिए मैं सबसे नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ और बड़ी उम्र वालों से भी गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों के पास अपना आइडेंटिटी कार्ड मौजूद है, वोटिंग लिस्ट मिला है, बराए मेहरबानी अदबन ये क्या है वो अपना वोटिंग लिस्ट लेकर जाकर अपने बूथ देख लें, बूथ देखकर ज़रूर ब ज़रूर कहें अपने वोट को डालें। मैं एक ऐलान पर तवज्जो चाहता हूँ तमाम अहबाब की। सबसे पहले जुमा का दिन इसलिए वोट रखा गया है ताकि हमारे वोट बिखर जाएँ और आदमी इसके अंदर गफलत के अंदर अपना वोट डालना भूल जाए, ऐसा हरगिज़ ना करें। फौरन फजर की नमाज पढ़ें, फिर जितने बजे बूथ ओपन हो जाएगा उतने बजे फौरन जाए, नमाज अदा करने के बाद फौरन जाकर वोट डाल दे, अपने दोस्त अहबाब को लेकर जाए। ऐसा ना करें कि फौरन इत्मीनान से नाश्ता किए फिर गुस्ल कर लिए फिर जुमा की नमाज इत्मीनान से पढ़े, ऐसा ना करें। और तमाम उलमा की तरफ से भी हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब की तरफ से भी ऐलान किया गया है, तमाम बड़े बड़े उलमा की तरफ से भी ऐलान किया गया है, जुमा के दिन सिर्फ अरबी खुतबा होगा, उर्दू खुतबा नहीं होगा। फौरन अरबी खुतबा सुने, फिर नमाज पढ़े और फौरन जाकर अपना वोट डालें। और वोट की टाइमिंग 6 बजे से पहले रहेगी, तो इसीलिए इसका वक्त का ख़ास ख्याल रखें और इससे पहले पहले अपना, अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्त अहबाब का, पड़ोसों का,
पड़ोसियों का ख्याल करते हुए सबका भी वोट दिलाने की फिक्र करें। और अभी मौसम भी बहुत गर्म है और धूप की शिद्दत भी बहुत है। मैं नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ, अगर वॉलंटियर्स कोई देख रहे हैं इस मैसेज को, तो बूथिंग सेंटर के पास अगर हो सके तो पानी का इंतजाम करें, अगर हो सके तो साय का भी इंतजाम करें। अल्लाह ताला आपके इस करने को, अल्लाह ताला आपके करने को और इस मेहनत को कबूल फरमाए। और जितनी भी उम्र रसीद आप कहीं भी अगर जाते हुए चल के जाते हुए देखें, तो अगर आपके पास सवारी हो तो सवारी के अंदर बिठाकर उनके 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 मकाम तक पहुंचाने की फिक्र करें, अगर ना हो सके तो कुछ ना कुछ इंतजाम करने की इसके बारे में फिक्र करें। और मैं लास्ट में फिर से आप तमाम अहबाब से अपील करता हूं कि अपना वोट ज़ाया ना होने दें। इस बार का इलेक्शन बहुत ही नाजुक और नाजुक हालात में चल रहा है। हमारा मुस्तकबिल बनाने का हमारा मुस्तकबिल इस इलेक्शन से तय होगा। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के पास अदबा, अल्लाह ताला के पास दुआ भी करता हूँ और आप लोगों के पास दरख्वास्त भी करता हूँ कि बिना नागा किए हुए अपना वोट ज़रूर ज़रूर डालें। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अच्छे नतीजे हमारे सामने लाएँ और अच्छे मुस्तकबिल का जो हमारा रहबरा हो अल्लाह ताला उसके अंदर इसे कबूल फरमाए और उसे जीत दिलाए। तमाम अहबाब वोट की फिक्र करें, सबसे पहले अपना वोट डालें।